हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपने सुबह सुबह उठकर पंछियों के चहचहाने की खूबसूरत आवाज कई बार सुनी होगी। आपने झरने के झरझर बहते पानी को भी सुना होगा और वृक्षों के आवाज भी सुने होंगे, हवा में उनके बहते हुए आवाज को सुना होगा। दोस्तों, हमारा ये अस्तित्व, हमारा ये वजूद ध्वनियों के मेल से बना है, इसलिए कुदरती आवाज, प्राकृतिक ध्वनियां और संगीत के साजों के आवाज कभी तनाव नहीं पैदा करते। उल्टे वो तनाव से ग्रसित शरीर और मन को राहत देते हैं, रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, याद करें वो गरजता हुआ झरना, वो वाटरफॉल, लरसती हुई लहरें या वृक्षों के आगोश में गीत गाते पंछियों की फौज। क्या इनसे कभी आपके मन में टेंशन पैदा हुआ है, तनाव पैदा हुआ है? क्या आपको पता है कि इन कुदरती आवाजों को सुनना हमारे सेहत के लिए और इस दुनिया में हमारे होने के लिए बेहद बेहद जरूरी है? कुछ स्पेनिश साइंटिस्ट ने हाल ही में रिसर्च किया है कि ये कुदरती आवाज सिर्फ उनकी तरंगों की वजह से हमें प्रभावित नहीं करते, उसका कारण और भी गहरा है। हमारी जीन्स की जो बनावट है वो ध्वनि तरंगों से बनी है और इन तरंगों का आकार डीएनए की शक्ल में दिखाई देता है। ध्वनियों के साथ एक गहरा रिश्ता हम हमेशा महसूस करते थे, लेकिन अब साइंस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ध्वनियां कितनी सेहतमंद है, इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कुदरती आवाजों का अपना एक संगीत होता है। ये आवाज मस्तिष्क की थकी हुई नसों को तरोताजा करते हैं और इंसान ने बनाए हुए आवाज कर्कश और तनावपूर्ण होते हैं। इसलिए संगीत शास्त्र की प्राचीन किताबों में दो तरह की ध्वनियों का उल्लेख है, नाद और शोर। नाद वो सुरीली ध्वनियां हैं जिनसे राग रागिनियां बनती हैं, और शोर वो कोलाहल है जो संगीत के काबिल नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत कुदरत के इतने करीब है कि वो मानता है कि उसके सुर पंछियों की आवाजों से लिए गए हैं, जैसे मेंढक से ऋषभ, मोर से मध्यम, हाथी से निषाद, कोयल से पंचम। दोस्तों, ध्वनियों के साथ एक गहरा रिश्ता हम हमेशा महसूस करते थे, लेकिन अब साइंस ने इसकी पुष्टि कर दी है। कुदरती आवाज और संगीत के साजों का अद्भुत उपयोग हमें रिलैक्स होने में मदद करते हैं। सेहतमंद आवाजों पे बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, याद करिए पर्वतों से उछलते हुए झरनों का सुर। झरनों का वो सुर हमारे भीतर हिलोरे लेने लगता है, क्योंकि उसका अपना संगीत होता है। गरजती हुई लहरों का नाद हमारे भीतर तरंगे उठाता है, क्योंकि वो संगीत ही है। सुबह सुबह गाने वाले पंछियों का गीत या छत पे गिरती बारिश की बूंदों का संगीत हमारे अंदर खुशियां भर देता है, क्योंकि वो संगीत है। दोस्तों, इमेजिन करिए पहाड़ और चट्टाने और पहाड़ों से झरते हुए झरझर झरने, संगीत भरी आवाज। छोटे छोटे झरने अलग अलग आकार की चट्टानों को सहलाते हुए अलग अलग ऊंचाइयों से गिरते हैं। जिनके कान संगीत के लिए तैयार हैं, उन्हें इस नाद से अलग अलग सुर सुनाई देते हैं। दोस्तों, पानी में कुछ ऐसा है जो जीवन देता है, जो संजीवनी स्पर्श की तरह है। क्या है वो? इस धरती पे कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि पानी, जो कि एक आदिम तत्व है, जो हमारे जीवन का आधार है, अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसका भेद जानना साइंटिस्ट के लिए अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। दोस्तों, कुदरती आवाजों पे
झरनों पे, पंछियों के चहचहाने पे, बारिश की बूंदों पे, इनके संगीत पे बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बहते हुए पानी की ध्वनि हमारे आत्म तत्व का गतिमान रूप है, हमारी आत्मा की आवाज है। बहता हुआ पानी निरंतर संदेश देता है, बहो बहते रहो, बहो और बहते रहो, फ्लो एंड कीप फ्लोइंग। जब कभी हम क्रोध, दुश्मनी, दुख या ईर्ष्या के चक्र में फंस जाते हैं तो हम बहना भूल जाते हैं। हरे पौधों और पत्थरों से खेलते हुए पानी का कल कल निनाद हमें पुकार कर कहता है, आओ हमारे जश्न में शामिल हो जाओ। और फिर खुद ब खुद हमारा दिल झूम उठता है। कुदरत के आंगन में एक और गुंजन सुनाई देता है, एक और हमिंग सुनाई देती है, और वो है हंस, मोर और कई पंछियों का गुंजन। ये गाते हुए वृक्ष मानो कुदरत की हंसी भरी किलकारियां मालूम होती हैं, जो कि तनी हुई नसों और शरीर को फौरन राहत देने का काम करती हैं। अनजाने ये तरंगे हमारे शरीर के कोने कोने में, दिल की गुफा में झनकार पैदा करती हैं और हमें अपना बना लेती हैं। ये जादू है कुदरती आवाजों का, लहलहाते खेतों का, सनसनाती हवा का, चहचहाते पंछियों का और गुंजन करते हुए पंछियों का। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, महान चीनी दार्शनिक चुआंगत्सु को चीनी सम्राट ने अपने महल में आमंत्रित किया, उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा। सम्राट के दो दूत दार्शनिक चुआंगत्सु के पास आए। उस समय चुआंगत्सु मछली पकड़ रहे थे। वो दूत वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, सम्राट चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बने। चुआंगत्सु बोले, क्या तुम उस कछुए को देखते हो कीचड़ में अपनी पूंछ को हिलाता हुआ? दूत बोले, हाँ हम देख रहे हैं। तब दार्शनिक चुआंगत्सु ने दोबारा एक सवाल किया, और क्या तुम देखते हो कि वो कितना प्रसन्न है? दूत बोले, निश्चित ही वो बेहद प्रसन्न दिख रहा है। तब दार्शनिक चुआंगत्सु ने क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, चीनी सम्राट के दो दूत दार्शनिक चुआंगत्सु के पास आए और उन्हें आमंत्रित किया सम्राट का प्रधानमंत्री बनने के लिए। तब दार्शनिक चुआंगत्सु मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने दूत से कहा, क्या तुम उस कछुए को देखते हो कीचड़ में अपनी पूंछ को हिलाता हुआ? दूत बोले, हाँ हम देख रहे हैं। फिर चुआंगत्सु ने पूछा, क्या तुम देख रहे हो कि वो कितना प्रसन्न है? दूत बोले, निश्चित ही वो बेहद प्रसन्न दिख रहा है। तब चुआंगत्सु बोले, मैंने सुना है कि सम्राट के महल में कछुआ है, 3000 साल बूढ़ा, मृत, सोने के पिंजरे में कैद, हीरों से सजाया गया और वो उसकी पूजा करते हैं। मेरा एक कछुआ यहां कीचड़ में पूंछ हिला रहा है, तुम उससे कहो कि अपनी भूमिका बदले, वो महल का कछुआ बने, मृत लेकिन सोने के पिंजरे में कैद, हीरों से सजा हुआ और स्वयं सम्राट के द्वारा पूजा जाए, क्या ये कछुआ इसके लिए राजी होगा? दूत बोले, निश्चित ही नहीं, ये कछुआ तैयार नहीं होगा। इस पे दार्शनिक चुआंगत्सु क्या कहते हैं, इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दार्शनिक चुआंगत्सु ने दूत से कहा कि मैंने सुना है कि सम्राट के महल में कछुआ है, 3000 साल बूढ़ा, मृत, सोने के पिंजरे में कैद, हीरों से सजाया गया और वो उसकी पूजा करते हैं। मेरा ये कछुआ कीचड़ में खेल रहा है, पूंछ हिला रहा है, उससे पूछो कि क्या वो अपनी भूमिका बदलना चाहेगा, ये कीचड़ छोड़कर
महल में आना चाहेगा। महल का वो कछुआ बनेगा मृत, लेकिन सोने के पिंजरे में कैद, हीरों से सजा हुआ और स्वयं सम्राट के द्वारा पूजा जाएगा। क्या ये कछुआ इसके लिए तैयार होगा? तब दूत बोले, निश्चित ही नहीं, ये कछुआ तैयार नहीं होगा। तब दार्शनिक चुआंगत्सु बोले, तो मुझे क्यों तैयार होना चाहिए? तब जाओ, मैं अपने कीचड़ में प्रसन्न हूं, अपनी पूंछ को हिलाता, और मैं सम्राट के महल में नहीं आना चाहता। दोस्तों, अगर आप दार्शनिक चुआंगत्सु की जगह होते तो आप क्या करते? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दार्शनिक चुआंगत्सु ने चीनी सम्राट का प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने सम्राट के महल में जाने से इनकार कर दिया। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? दोस्तों, अगर मैं चुआंगत्सु से मिलूं तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अभी भी डरते हैं, अभी भी उनके दिल में कुछ भय है। अगर मैं चुआंगत्सु की जगह होता तो मैं महल चले जाता, क्योंकि दोस्तों आप अपनी पूंछ को महल में भी हिला सकते हैं और वो मजेदार होगा। लेकिन चुआंगत्सु निश्चित ही थोड़ा भयभीत होगा, कुछ भय कि हो सकता है कि वो वहां कैद हो जाए, हो सकता है कि वो अपनी आजादी, अपना जीवन वहां पे खो दे, हो सकता है कि वो सत्ता की दौड़ में पड़ जाए, अहंकार की दौड़ में पड़ जाए। लेकिन ये भय बताता है कि अभी भी अचेतन में कुछ अटका है। इंसान को इतना मुक्त होना चाहिए कि अगर परिस्थिति की मांग उसे शक्ति की तरफ ले जाए तो वो शक्ति की भूमिका को भी कर सके बिना शक्तिशाली हुए। अगर परिस्थिति उसे किसी दूसरी परिस्थिति में ले जाए तो वो आसानी से नई परिस्थिति में ढल जाए। मनुष्य को जीवन में जड़ भूमिका में नहीं अटकना चाहिए। और ये सवाल भूमिका का नहीं है, सवाल चेतना का है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक बेट पे, एक आइलैंड पे एक मंदिर का निर्माण किया गया। दुनिया भर के बेहतरीन कारीगरों ने छोटी बड़ी घंटियां बनाई और वो उस मंदिर में लगा दी। जब भी हवा चलती या तूफान आता तो सारी घंटियां, सारे बेल्स एक लय में, एक रिदम में यूं बजने लगते कि सुनने वाले का दिल उस संगीतमय धुन में झूम उठता। सदियां बीत गईं और समय के साथ साथ वो आइलैंड समंदर में समा गया, डूब गया। उसके साथ साथ वो मंदिर और उसकी हजार घंटियां भी उस समंदर में समा गईं। एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार मंदिर की हजार घंटियां अब भी निरंतर बजती रहती हैं और अगर कोई चाहे तो उन्हें सुन भी सकता है। इस लेजेंड से, इस दंत कथा से, इस प्राचीन लोक कथा से प्रेरित होकर एक नौजवान हजारों मील का सफर तय करने के बाद इस बेट पे पहुंचता है, इस इरादे के साथ कि समंदर में समाये हुए मंदिर की घंटानाद जरूर सुनेगा। क्या ये नौजवान मंदिर की घंटानाद सुन पाता है? ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इस प्राचीन लोक कथा से प्रेरित होकर एक नौजवान हजारों मील सफर तय करने के बाद इस बेट पे पहुंचता है, इस पक्के इरादे के साथ कि वो समंदर में समाये हुए मंदिर की घंटानाद जरूर सुनेगा। कई दिन समंदर किनारे, समंदर में खोए हुए मंदिर की ओर मुंह करके वो नौजवान बैठा रहता और पूरी ताकत के साथ वो सुनता रहता। लेकिन समंदर की आवाज के सिवा उसे और कुछ भी सुनाई नहीं देता था। उस नौजवान ने समंदर की आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मानो समंदर की गरजती हुई आवाज संसार भर में फैली हुई थी।
कई हफ्ते वो अपने इस काम पे डटा रहा। वो निराश हो जाता, लेकिन गांव के बुजुर्ग और विद्वान उस रहस्यमयी मंदिर के घंटानाद के बारे में घंटों बातें करते, और फिर वो नौजवान नए जोश के साथ अपने मकसद के पीछे लग जाता। कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों की कोशिशें फिर नाकाम हो जाती, उसे निराश कर देती, मायूस कर देती। गरजती हुई समंदर की लहरों के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं देता। क्या ये नौजवान अपने मकसद पे डटा रहता है? इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कई हफ्ते वो नौजवान अपने इस काम पे डटा रहा। वो निराश हो जाता, लेकिन गांव के बुजुर्ग और विद्वान उस रहस्यमय मंदिर के हजार घंटियों के घंटानाद के बारे में घंटों बातें करते, और फिर वो नौजवान नए जोश के साथ अपने मकसद के पीछे लग जाता। कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों की कोशिशें फिर नाकाम हो जाती, उसे निराश कर देती। गरजती हुई समंदर की लहरों के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं देता। उसे लगा घंटानाद सुनना उसकी किस्मत में नहीं था। उसने अपनी कोशिशें त्याग देने का फैसला किया। शायद समंदर में डूबे मंदिर और उसके हजार घंटियों के घंटानाद की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, अफसाने हैं, लेजेंड्स हैं, हकीकत नहीं। उसने तय कर लिया कि आज उसका आखिरी दिन होगा। वो नौजवान समंदर किनारे आता है। समंदर और आसमान से, हवाओं से और नारियल के पेड़ों से अलविदा करने आता है। आखिरी बार, आखिरी बार वो समंदर की रेत पे लेट जाता है। अब उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस नौजवान को गरजती हुई समंदर की लहरों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता था। उसे लगा घंटानाद सुनना उसकी किस्मत में नहीं था। उसने अपनी कोशिशें त्याग देने का फैसला किया। शायद समंदर में डूबे मंदिर और उसके हजार घंटियों के घंटानाद की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, अफसाने हैं, लेजेंड्स हैं, हकीकत नहीं। उसने तय कर लिया कि आज उसका आखिरी दिन होगा। वो नौजवान समंदर किनारे आता है। समंदर और आसमान से, हवाओं और नारियल के पेड़ों से अलविदा करने आता है। आखिरी बार, आखिरी बार वो समंदर की रेत पे लेट जाता है। अब उसे कोई तनाव नहीं है। थोड़ी देर में नौजवान समंदर की आवाज में इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। समंदर की आवाज ने एक ऐसी खामोशी पैदा कर दी कि वो स्वयं को भुला बैठता है। इतनी गहरी स्तब्धता, इतनी गहरी खामोशी पैदा की थी समंदर की आवाज ने। और फिर खामोशी की उस गहराई में उसे वो ध्वनि सुनाई थी। एक छोटी सी घंटी की टिन टिनाहट, फिर एक और घंटी की टिन टिनाहट बजने लगी। फिर एक और, फिर हजार घंटियां एक संगीतमय लय और ताल में बजने लगीं। एक के बाद एक इस तरह हजार घंटियां हारमनी में, टिन टिनाहट की मधुर लय में बजने लगीं। और वो नौजवान खुशी से झूम उठा। उसका दिल खुशी से नाच उठा। उसके जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसे जो चाहिए था, दिल की गहराइयों से जो उसका मकसद था, वो उसे हासिल होने लगा। वो नौजवान
खुशी से हवा में झूमने लगा। मेरे दोस्तों टोमेटो प्रेमियों, क्या आप घंटा नाद सुनना चाहते हैं? समंदर की आवाज सुनिए। दोस्तों क्या आप परमात्मा की एक झलक पाना चाहते हैं? सृष्टि को ध्यान से देखिए, आपको उसकी झलक मिल जाएगी। अपने आप को भूलकर कुदरत को देखिए, उसकी झलक मिल जाएगी। बस जरूरत है विश्वास की, जरूरत है यकीन की। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों शिष्य अपने गुरु से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते थे परमात्मा के बारे में। गुरु ने कहा, परमात्मा अनंत है, अथाह है। परमात्मा के बारे में किया हुआ हर एक विधान, उसके बारे में दिए गए हर सवाल का जवाब सच्चाई से दूर है। शिष्य हैरान हो गए। तो फिर गुरुदेव, आप परमात्मा के बारे में बात ही क्यों करते हैं? गुरु ने पूछा, पंछी क्यों गाता है? इसलिए नहीं कि पंछी कुछ कहना चाहता है, पर इसलिए कि उसका दिल गीतों से भरा है। बस वो सिर्फ गाना चाहता है। गुरु के शब्द उसकी बातें समझी नहीं जाती, उसकी बातें उसके बोल सिर्फ सुने जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। उसी तरह जैसे पेड़ों दरख्तों में हवा का शीतल एहसास, नदी के बहते हुए पानी की गुनगुनाहट और पंछी का सुरीला गीत महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। ये सारा एहसास दिल को इस कदर छूता है, दिल के तार इस कदर छेड़ता है, ऐसे दिव्य भाव जगाता है जो समझ बूझ और मनुष्य के ज्ञान अज्ञान से परे हैं। बस महसूस कीजिए, फील कीजिए। हर बात समझना जरूरी भी तो नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों क्या आपने पंछी को गाते हुए सुना है? शिष्य अपने गुरु से हमेशा यही शिकायत करता था, गुरुदेव आप ज़हन के अंतिम सत्य मुझसे छुपाते हैं। गुरुदेव उसे समझाते हैं लेकिन गुरुदेव की किसी भी बात को वो स्वीकार नहीं करता। एक दिन दोनों पहाड़ों में घूम रहे थे, तभी एक पंछी का गीत सुनाई दिया। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुमने भी उस पंछी को गाते हुए सुना? शिष्य ने कहा, जी सुना। शिष्य ने भी पंछी को गाते हुए सुना था। तब गुरुदेव ने कहा, तो अब तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तब शिष्य ने झुककर कहा, जी गुरुदेव। इसके बाद गुरु और शिष्य में क्या बातें होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों क्या आपने कभी पंछी को गाते हुए सुना है? क्या कहा आपने? आपने सैकड़ों पंछियों को गाते हुए सुना है और हजारों वृक्ष लाखों पेड़ देखे हैं। आपने वृक्ष देखा था या वृक्ष नाम की एक चीज? अगर आप एक वृक्ष की ओर नजर डालें और केवल एक वृक्ष देखें तो आपने दरअसल वृक्ष देखा ही नहीं। पर जब एक वृक्ष को देखें और आपको एक करिश्मा, एक मिरेकल, एक चमत्कार नजर आए, तभी आपने सचमुच उसे देखा है। एक पंछी के चहचहाने पे, एक पंछी के गाने पे, एक कोयल के कुहू कुहू पे आपका दिल कुतूहल से भर गया हो, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? परमात्मा की खोज में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, शब्दों के खेल में उलझे रहते हैं। निःशब्द होकर, खामोश होकर हर तरफ देखिए दोस्तों। टिमटिमाते हुए सितारे, खुशबूदार फूल, मुरझाता हुआ पत्ता, एक पंछी, कोई पत्थर, किसी भी चीज को देखिए, देखिए, सुनिए,
खुशबू सूंघिए, स्पर्श कीजिए, स्वाद लीजिए और बहुत जल्द किसी भी पल आप उसे देख पाएंगे, आप परमात्मा को देख पाएंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अपने भीतर गहराई में जाइए और अपनी आवाज को सुनिए, अपनी आवाज को महसूस करिए। एक बार आप अपनी आवाज को महसूस करने लगेंगे तब किसी तरह के नियमों की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं ही नियम बन जाएंगे। और जितनी ज्यादा स्पष्ट आवाज उतने ही आपके कदम सही दिशा में उठेंगे। हर कदम आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है और आप ज्यादा सहज और सरल महसूस करते हैं। आप गहन संतोष महसूस करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है और आप सबके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, एहसान मंद हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, एहसान मंदी, कृतज्ञता, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।